आप जितने भी मेंबर्स हैं, मैं तो कूद में जा रहा हूँ, ठीक है जी, और इंशाल्लाह कूद चुके हैं, जो दूसरा स्टेप है ना कि हम माइनिंग की तरफ भी हम तो वो एक हमने रोमी से बात की हुई थी कि आप आज इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको बता देंगे, तो आपने हमारे लिए एक दो सेटअप कर लें जो एक रिसर्च बेस हो, ताकि फिर उसके बाद जब आप लगा दें तो हमारे जो मेंबर्स हैं उसका हम साइट विजिट कर लें, सब उसको देख भी लें और एक मतलब एक सिस्टम शुरू हो जाए। अब वो पैसे डायरेक्ट हुकूमत के रेवेन्यू में जाए ताकि पता चले जी इस इथेरियम से इतने पैसे हो रहे हैं, ताकि पैसे जब नहीं आएंगे ना ये बाकी सब टेक्निकल डिसीजन आ रही है। रूमी आप जरा ये याद रखिए, सूद फ्री निजाम की तरफ लेके जा रहा है, बिटकॉइन इज सूद फ्री। तो रोनी आप बता दें कि जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो कोल्ड एरियाज है, शानला स्वात और ये सारा नॉर्थ है हमारा, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम कैसे इसका हम बना सकते हैं, वो आप जरा शेयर करें। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, स्पेशली ज़िया साहब का, इसमें सबसे पहले कि हम क्रिप्टो माइनिंग को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ केपी के किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जब एक सिस्टम होता है ना तो सिस्टम को आपको किसी पूल पे कनेक्ट करना पड़ता है, तो जब केपी के गवर्नमेंट अपना माइनिंग पूल बना देगी तो उसमें अगर वो एक लाख सिस्टम भी है ना तो वो टोटली उनकी अर्निंग्स उसकी हर चीज़ उसको कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, अब वो चाहे गवर्नमेंट की है चाहे एक 25,000 वाले इन्वेस्टर की है, वो टोटली कंट्रोल में आ जाएगी, उसमें से आप उसका टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें मतलब फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल दे रहे हैं कि 30-70 करके 70% इन्वेस्टर को या जिसने पैसा लगाया उसको चला गया और 30% में हमने जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको मीट कर लिया और 10% हमने फॉर एग्जाम्पल उसको गवर्नमेंट का टैक्स की मन में। ठीक है, ये तो हो गया इसको कंट्रोल करने। दूसरा वो सर ने जो पॉइंट्स उठाए थे उनमें ROI, ROI पे मैं सिंपली आपको एक सादा बता सकता हूँ कि इस वक्त एक सिस्टम जो कि 5 लाख की मालियत का है, जीपीओ रिंग की बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त करंट सिचुएशन में 1 लाख रुपए जनरेट कर रहा है। ठीक है, मींस के 5 महीनों में आपका वो ROI कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें हाइड्रो यूज करना है, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके ऊपर सिर्फ हमारी मेंटेनेंस होगी, कोई मतलब आप ये कह सकते हैं कि 20-40-50 हज़ार, एक 100 किलोवाट का अगर आपका सेटअप लगा है, 100 किलोवाट के ऊपर 100 सिस्टम चल रहे हैं और उसके ऊपर आपकी बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपया आपका, यानी वहाँ पे अपने मुलाजिम रहता है या जो भी है तो उसके एक्सपेंसेस सारे मीट करने के लिए बहुत कम एक्सपेंस होगा। इन्वायरमेंट इस पे इस तरह से होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ पे जो हाइड्रो लगाई है उसके लिए हमें एकड़ में बता रहा हूँ 3 से 4 एकड़ जगह चाहिए होगी, जो कि हम वहाँ पे अपनी जगह होगी जिसके ऊपर हम हाइड्रो का पूरा सेटअप करेंगे। अब वो 3-4 एकड़ में से जो यूज हो रही होगी ना हाइड्रो के लिए, वो जस्ट चंद कनाल यूज हो रही होगी, बाकी क्योंकि हमने फॉल करना है पानी को तो उसके लिए वो 3-4 एकड़ जरूरी है। अब जो बाकी जगह होगी उसके ऊपर हम प्लांटेशन करेंगे, कोई भी प्लांटेशन करेंगे जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल जो हीट जनरेट होगी उसको हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कि इंटरनेट, इंटरनेट इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल चाहिए होता है, कोई हाई फाई इंटरनेट नहीं चाहिए होता, 1 MB 2 MB पे आप 100 सिस्टम चला सकते। कूलिंग नजर आए बाकी को नजर आए सलमान को, अच्छा। कूलिंग का माइनिंग में एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर हम सवात एरिया में अगर करेंगे तो वो इशू, यानी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो एसी की ठंडक जो है वो वहां पे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ही 30-35 तक रहता है मैक्सिमम, जून जुलाई की बात करें तो बाकी महीनों में तो बहुत आसान। जी 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 न्यूज पे एक दफा मैं वो मॉर्निंग शो में वो कर रही थी, लेकिन वो रिकॉर्डेड शो था, पहले से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन वो कर लिए थे, ऑन एयर हो रहा था, उसमें इस बात में मजाक बना दिया गया था कि इसका कोल्ड एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैंने मेंशन किया था कि ये हमारी इस तरह की जो शादा और सवाल और एरिया से इस पे करेंगे, तो इस पे भी जरा क्लियरिटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मीडिया पे भी वकार साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस पे जरा वो कर दे अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इनको अवेयरनेस नहीं है और वो कह रहे थे कि इनका कोल्ड एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि मैं उस डिबेट में खुद शामिल
उस अटायर लाइव नहीं थी, मैं जवाब दे दी थी, लेकिन वो पहले से रिकॉर्डेड था तो क्रॉस जवाब दे दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाती है, तो वो उस चीज को काट देते हैं। अच्छा दूसरी चीज है, जिसको भी इंटरव्यू दे बोलो भाई अपनी क्वालिफिकेशन पहले हमें बताओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है तुम्हारा, तुम्हारा बैकग्राउंड ही नहीं है, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप लोग एज अ पॉलिटिशियन अपने मीडिया वालों को कहें कि यार जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी क्वालिफिकेशन भेजो और रिकॉर्डेड नहीं होगा ये उनसे आपसे वो ऐसी जानबूझ के नहीं, वो रिकॉर्डेड तो मेरी रिक्वेस्ट पे था कि सुबह मॉर्निंग शो में आप ऑन एयर हो जाए, मेरे पास सुबह वाला टाइम नहीं है, वो तो नॉर्मल कंप्यूटर भी गर्मी चाहिए तो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए भी ठंडक चाहिए। अच्छा इसमें ये कि ये जरूरत नहीं है कि कोल्ड एरियाज ही, जब आप लाहौर में इसकी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप सिस्टम लगाएंगे तो वो जो आपके कोल्ड एरियाज हैं उसमें आपको हाफ मतलब वो आप समझ सकते हैं कि आपको ये इसमें रूमी रूमी आप रूमी आपको बता रहे हैं कि मैडम देखिए इस पे ना अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर में सेटअप लगाती हैं ठीक है, अगर 10 से 15 सिस्टम आते हैं लगाएं ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मुझे पहले भी नहीं चलेगी और वो हाइड्रो पावर अगर दिसंबर के लिए डिजाइन नहीं हुआ तो वो बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी की पावर का। इसमें एक और मैं ऐड करूं जो आपको लेने की बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की जो बिजली पानी से जो बने तो वो सस्ती है बहुत, तो ये एक रीजन मेरे ख्याल में सस्ती होगी। सर इसका जवाब ये है, एक तो हमने प्राइवेट अपने हाइड्रो प्लांट्स लगाने, हमने सिटी के अंदर या कोई रोड के पास नहीं जाना, हमने वहां पे जाना है जहां पे जमीन इंतहाई सस्ती है, यानी जो पहाड़ों के ऊपर जहां पे कोई नहीं जाना चाहता वहां पे हमने सिर्फ फॉल देखना है कि यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे कितने क्यूसिक पानी है, उस पानी को हमने मैयर करना है और वो मैयर करना है दिसंबर जनवरी में ठीक है। दिसंबर जनवरी में हम देख लेंगे कि यहाँ इस पानी से 100 किलोवाट या 50 किलोवाट या 200 किलोवाट बिजली बन जाए ठीक है। अब दिसंबर जनवरी फरवरी के अलावा तो पानी का कोई इशू ही नहीं होता, सिर्फ इन तीन महीनों में, तो हमारी जो मैयरमेंट होगी पानी की वो दिसंबर जनवरी फरवरी में होगी ठीक है, और उसके ऊपर हाइड्रो लग जाएगा, हाइड्रो के ऊपर जो मैंने एस्टिमेट किया है जो प्राइवेट अपना हाइड्रो लगाएंगे उसके ऊपर 50 किलोवाट के सेटअप के ऊपर 25 से 30 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। लोकल हर चीज यहाँ पे मतदान में टर्बाइन बन रही है, वहां से हमें टर्बाइन मिल जाएंगी, यानी हमने जो एक मेन चीज थी इलेक्ट्रिसिटी जो माइनिंग के लिए जरूरी होती है वो हमने इंतहाई सस्ते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे सस्ता बिटकॉइन हम पाकिस्तान में केपी के सवाल में जनरेट कर सकते हैं। अच्छा उसका जवाब दें, आपसे पूछ रहे थे जो कार्ड्स का चक्कर है ना, मशीनें खरीद ली हुकूमत ने परशुराम ने ली और वो कार्ड अपग्रेडेशन का आइजेक माइनर वगैरह का जो चक्कर आता है या जीपीयू रिग का आता है उसको काउंटर कैसे करेंगे? उसमें देखें सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग में, हम बिटकॉइन के नहीं जा रहे, बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है ठीक है, माइन करना उस डिफिकल्टी लेवल इतना जा चुका है उसको माइन करना और उसके लिए बहुत बड़ा हार्डवेयर लगाना और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना बहुत टफ हो गया। हम जाएंगे छोटे क्वाइन जैसे कि इथेरियम है, सेकंड लार्जेस्ट जो है इथेरियम है, इथेरियम को माइन करेंगे और उसके लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो कोई कंपनी मेड सिस्टम नहीं है,
वो हम अपने हाथ से बनाते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है। ग्राफिक कार्ड मार्केट में मतलब वो हमें मिल जाते हैं, वो उसको हम असेंबल करेंगे, चलाएंगे जब वो सिस्टम, तो उससे इथेरियम जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम को की कल को माइनिंग बंद हो जाती तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी, हम उस सिस्टम से 200 प्लस कॉइंस माइन कर सकते। कोई कॉइन बाहर या स्कैम करके हम इससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इतनी ज्यादा होंगी कि हम किसी भी कॉइन दूसरे कॉइन की माइनिंग लगा के हम अपने प्रॉफिट एज इट इज हासिल कर सकते। अगर कल को फॉर एग्जांपल हम उस सिस्टम जिससे हम माइनिंग कर रहे हैं हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जो सिस्टम पुराना हमारे पास लगा है वो फिर भी अपनी वैल्यू रखेगा, क्योंकि उसको हम डी असेंबल करेंगे, उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो गेमिंग पर्पज के लिए मार्केट में बहुत महंगे सेल हो जाते हैं। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। वेबसाइट पे बहुत एक फॉर्म तो डाल ही देना कि जब भी जो भी वेस्टर्न लोग हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करके अपना देना, कि टेंटेटिव आपके पास इन्वेस्टमेंट का लिहाज है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि जब तक वो नहीं दिखाएंगे तो ये इसमें ये है कि जांच की जो मीटिंग होनी है इससे भी पल्स पता चल जाएगा, और एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे। मेरा प्लान है, और इसके अलावा जो जिन इदारों की हम बात कर